So hello everyone, this is Cadet Garvit Birman from Talani Maritime Institute. So as you guys know that आप लोगों का 12th का CBSE result आ चुका है, तो जिन्होंने CBSE में कुछ का expected था, कुछ का unexpected था, किसी ने जितनी पढ़ाई की थी उससे थोड़े से ज़्यादा marks आ गए, कोई जो expect कर रहा था कि मैंने इतना पढ़ाई किया मेरे इतने marks तो आ जाएंगे, उससे उसके कम आ पाए, but कोई नहीं, आपके सारी चीज़ें acceptable हैं. आप को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको IMU CET का फॉर्म्स आप लोग ऑलरेडी भर चुके हो, जिसकी डेडलाइन 10th of June थी, तो वो ऑलरेडी जा चुका है. तो आपको अब IMU CET के लिए सिर्फ हार्डली 1 month भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 6 days है. सो आपके पास अब IMU CET के ऑप्शन बचता है, जिसको अगर आप जहाँ पे अच्छा स्कोर करते हो तो फिर आपके 12th के मार्क्स हाइड हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी और आप IMU CET में अच्छी रैंक होल्ड करोगे तो फिर आपका किसी भी कॉलेज में या किसी भी कंपनी में इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, डिपेंडिंग आपको BTech करनी है, BSc करनी है, DNS करना है. तो ये जो IMU CET है ये August 2024 बैच में और February 2025 बैच में दोनों के लिए एलिजिबल होगा. आपको DNS करना है तो February बैच में भी यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है. तो ये चीज़ क्लियर है. अब इसके अलावा जो IMU CET है वो कौन कौन लोग दे सकते हैं, जिन के 60+ आए हैं PCM में इन 12th बोर्ड्स, अब वो CBSE का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, वो सब एलिजिबल हैं IMU CET के लिए. बस उनके जो परसेंटेज होनी चाहिए PCM वो 60+ होनी चाहिए और इंग्लिश में 50+ होना चाहिए, ठीक है. तो काफ़ी ईजी सा एक वो है. तो अब आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है, आप लोगों को सिर्फ 11th की और 12th की NCERT या फिर जो आपके पास स्टेट बोर्ड्स बुक है उनके गो थ्रू होना है. उसके अलावा और कोई एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं, और कुछ ट्रिक है ही नहीं इसके अलावा. तो अगर आपने 11th 12th का पूरा कर लिया है ना, तो आपको इजीली आप IMU CET में अच्छी रैंक स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैंने 12th की NCERT की थी और 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए थे, एंड उसमें ही आई वॉज एबल टू स्कोर 1387 रैंक. सो इट इज़ ए हैंडसम रैंक, लाइक इसमें आपको कोई भी मिल जाएगा, मरीन इंजीनियरिंग में, नॉटिकल साइंस BSc में, या फिर DNS में, या भी जो भी आपको चाहिए उसमें ईजिली मिल जाएगा, ठीक है. अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप पैसिफिक मरीन अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. हम एक आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे IMU CET से पहले, एक मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, प्रॉपर सेम पैटर्न पे मॉक टेस्ट होगा, जैसा सेम IMU CET होता है वैसा ही, और उसमें बिल्कुल एक्यूरेट, लाइक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर होते हैं. लाइक जब आप IMU CET देने जाओगे तो आपको देख के लगेगा कि ये इस तरीके के क्वेश्चन तो आई हैव ऑलरेडी डन, इस तरीके के क्वेश्चन तो पैसिफिक मरीन के मॉक टेस्ट्स में थे. तो ऐसे हम मॉक टेस्ट्स कंडक्ट कराएंगे, आप पैसिफिक मरीन अकेडमी का कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो. अप्रॉक्स 3 मॉक टेस्ट होंगे, 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि बच्चों को कितनी नीड है और वो कितनी रिक्वेस्ट करें, लाइक हाउ मच मॉक टेस्ट दे वांट टू गिव. हम डेली रखेंगे तो फिर वो देयर इज़ नो यूज़, जब तक आपको पता नहीं लग रहा है वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट देना है तो पैसिफिक मरीन अकेडमी यू गाइस कैन ज्वाइन. अब इसके अलावा बात करते हैं आपको, और अगर मॉक टेस्ट के लिए भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ से लगाने वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि NCERT में या फिर स्टेट बोर्ड बुक्स में 1 marker तो है नहीं इतने ज़्यादा. तो उसके लिए आपको Air Force X and Y इज अ बुक फ्रॉम वेयर यू कैन डू ऑल दीज 1 marker क्वेश्चन. तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो Air Force X and Y से, ये सारे के सारे जितने भी हैं. और उसके अलावा लॉजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और ये जो स्टैटिक साइंस है, स्टैटिक जी के हैं, इसके लिए यू कैन वॉच एनी यूट्यूब वीडियो करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वहाँ से आपकी इजीली प्रिपरेशन हो जाएगी. सो पैसिफिक मरीन अकेडमी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन अंडर साइन, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल दोज नंबर्स. सो थैंक यू गाइस, रिगार्ड्स पैसिफिक मरीन अकेडमी. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो.